दोस्तों बीएसएनएल प्राइस हाइक से रिलेटेड आज एक बुरी खबर सभी बीएसएनएल यूजरों के लिए निकल कर आ रही है, क्योंकि आज 1 मार्च को बीएसएनएल ने अपने सभी प्लान के अंदर बदलाव किया है। जी हां, आप इसे एक तरीके का प्राइस हाइक कह सकते हैं, क्योंकि पुराने प्लान के अंदर इन्होंने वैलिडिटी को घटा दिया है। आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि जो सबसे छोटा वाला प्लान इसके अंदर 49 रुपीज का आता था, उसमें 24 दिन की वैलिडिटी दी जाती थी, 100 मिनट दिए जाते थे, 2 GB दी जाती थी, लेकिन अब उस वैलिडिटी को 20 दिन कर दिया गया है, यानी कि 4 दिन घटा दिए गए हैं, और जो आपके डेटा रहेगा उसमें भी 1 GB कम कर दिया है। इसके बाद दूसरा मोस्ट पॉपुलर प्लान आता था 75 रुपये का, उसमें आपको 50 दिन की वैलिडिटी मिलती थी, 100 मिनट मिलते थे और 2 GB का डेटा मिलता था, लेकिन अब आपको उसकी वैलिडिटी 30 दिन की दी जाएगी, आपका डेटा 2 GB का ही रहेगा और जो मिनट थे 100 की जगह 200 मिलेंगे। इसके बाद पॉपुलर प्लान में 106 रुपये का प्लान आता था, जी हाँ, इसमें 100 मिनट दिए जाते थे, 3 GB का डेटा दिया जाता था और वैलिडिटी जो मिलती थी वो मिलती थी 3 महीने की, यानी कि 84 दिन की। अब इसकी वैलिडिटी आपको 50 दिन की मिलेगी और जो आपका मिनट रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी कि 100 की जगह 200 हो जाएंगे। चौथा प्लान आता था 397 रुपये का, जिसमें एक यूज़रों को 300 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी और 2 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल और डेटा दिया जाता था डेली बेसिस पे, लेकिन अब इसकी प्लान वैलिडिटी को घटा दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर आपको 300 नहीं अब 200 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर डायरेक्ट 100 दिनों की वैलिडिटी घटा दी गई है। इसी तरीके से कुछ नए प्लान के अंदर भी चेंजेस हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे प्लान जो टू के टू बने हुए हैं, यानी कि 99 वाले में 22 दिन की वैलिडिटी मिल रही थी, वो वैसे की वैसे ही मिल रही है। 187 वाला प्लान था, उसके अंदर भी वही वैलिडिटी मिल रही है। आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे ही कुछ चेंजेस होगा इस चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट मिलेगा, तो दोनों को मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है इसे भी दबा दीजिएगा और पास में घंटी का बटन आ जाएगा उसे भी दबा लीजिएगा, जैसे ही कोई वीडियो डालूंगा डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको इसके बारे में मिल जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो।